नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। बालोद जिले के गुंडरदही से एक हैरान करने वाला खबर सामने आया है। यहां फैंसी स्टोर में काम करने वाली युवती से गैंगरेप की घटना सामने आई है। 3 नशेड़ियों ने युवती से गैंगरेप किया और अर्धनग्न हालत में छोड़कर फरार हो गए। मामला गुंडरदही थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक हर दिन की तरह दुकान में काम करने के बाद युवती अपने दोस्त के साथ सोमवार को देर रात घर लौट रही थी। इसी दौरान नशे में धुत 3 युवक उसका पीछा करने लगे। जैसे ही सुनसान इलाका आया, तीनों आरोपियों ने पहले तो युवती के दोस्त से मारपीट की और उसे भगा दिया। फिर युवती को बंधक बनाकर उसे खेत में ले गए और गैंग रेप किया। रेप के बाद तीनों युवकों ने युवती को अर्धनग्न हालत में रेलवे ब्रिज के नीचे छोड़ दिया। इधर घटना से आहत होकर युवती रेलवे ट्रैक की ओर जा रही थी, जिसे लोगों ने देखा और पूछताछ की तो युवती से हुई घटना के बारे में लोगों को जानकारी हुई। इसके बाद युवती की सहेलियों को फोन करके बुलाया गया और नए कपड़े खरीद कर घर भेजा गया। घर जाकर युवती ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन युवती को लेकर गुंडरदही थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया। गुंडरदही थाना प्रभारी अरविंद साहू ने कहा है कि मामला सेंसिटिव होने के कारण पुलिस गंभीरता से इसकी जांच कर रही है। युवती की शिकायत पर थाने में 3 युवकों के खिलाफ धारा 294, 506, 323, 376 2N, 376 D, 363 के तहत मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी अरविंद साहू ने बताया कि एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही मामले में तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।